रोशनी बेटा हर लड़की के जीवन में गृह प्रवेश एक बहुत शुभ दिन होता है। मुझे यकीन है तो हमारे घर में आकर अच्छे दिन देखने को मिलेंगे इस घर में। नहीं तो कोई कोई ऐसे होता है जिसके पैर रखते ही कुछ भी अच्छा नहीं होता। आजा रोशनी। अरे तेरी पायल तो टूटी हुई है। आंटी इसका तो कब टूट गया, क्या करें? कोई बात नहीं, मैं दूसरे भी निकाल देती हूँ। नहीं रोशनी, दूसरी मदद निकाल देती हूँ, मुझे तो वैसे ठीक है। नहीं नहीं तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं बेटा, दूसरी पायल उतार। बेटा तू दूसरी पायल नहीं उतार। आंटी इसका तो हुक टूट गया, क्या करें? कोई बात नहीं, मैं दूसरा भी उतार लेती हूँ, दूसरी मदद उतार लूँ, मैं इसे ठीक कर देती हूँ। नहीं तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं रोशनी, दूसरी वाली भी उतार। नहीं रोशनी, नई दुल्हन सोना श्रृंगार के साथ घर प्रवेश करे तो वो शुभ होता है, अशुभ होता है। साइली एकदम सही बोल रही है रेणु, उसे पायल दे। क्या बाबा की भाई को जिस बहू को पनवती बोलती है वही अपशकुन उन्होंने से बचा ली, और जिस बहू के आने से घर के भाग्य खुल जाएंगे तू बोल रही थी, खत्म लगती पनौती होगी। अभी तू बता दोनों बहू में से पनौती कौन है? बकवास मत कर। माला बांधते बांधते ये इसकी मरम्मत करना भी सीख गई, तो मतलब इसके भी पैसे बच जाएंगे ना, खर्चा ही नहीं दे पाए। ये सही है, अपना काम मनता बाहर में जाए जनता, पकड़ी इतना ही है ना, तो ये पायल में तोड़ के देता तू खुद छोड़ ले। सचिन किसी और की बेवकूफी की सजा तू साइली की मेहनत को क्यों दे रहा? इतने प्यार से जुड़ी है उसने पायल, उसका तो ख्याल कर। ये बात तो सही बोला बाबा, है तो किसी की मेहनत पर उस मेहनत के लिए किसी को थैंक यू भी तो बोलने को मांगता है। क्या 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 तेरे कानपुर में हड़ताल है, तेरे इसको थैंक यू बोल देगा मैं पायल। अभी सोला सिंगर के साथ उनका स्वागत करना है तो बोल दे, उसने आखिर मदद ही की है ना, बोल। थैंक यू। Thank you.